वेलकम टू ट्रिकी बायो। आर मोटिव इज पढ़ते रहो पढ़ाते रहो। इफ़ यू लाइक आर वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो वी विल गेट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज। किडनी मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर जो बीन्स की शेप की लगती है। इन द किडनी दिस इज द किडनी स्ट्रक्चर। इस किडनी स्ट्रक्चर में ये जो बाहर का पोर्शन है, मैं दूसरे कलर का करती हूँ आपको दिखाई देगा, ये जो पोर्शन है ये जो बाहर का पोर्शन है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर का पोर्शन है, ये वाला अंदर का जो पोर्शन है ये कहलाता है, ये वाला पोर्शन मेड्यूला, राइट। तो यानी कि यस, जो वाइट दिस इज द पोर्शन इज नोन एज मेड्यूला एंड दिस आउटर मोस्ट पोर्शन इज नोन एज, इट इज़ नोन एज कॉर्टेक्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज रीनल मेड्यूला दिस इनर वन और दिस इज रीनल कॉर्टेक्स द आउटर वन, ठीक है। सो इनर वन इज मेड्यूला, कल बताया था मैंने, आई टोल्ड यू कि किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स और एक पार्ट होता है मेड्यूला। मैंने ये भी बताया था कि रीनल वर्ड कभी भी यूज़ करेंगे तो हम इस वर्ड के लिए बोलेंगे, किडनी के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है होता है रीनल। और किडनी की जो डिवीजन होती है, किडनी को जो हम अगर TS करते हैं, ट्रांसवर सेक्शन करते हैं, तो किडनी में दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट होता है इसका ये वाला जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स और ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं मेड्यूला। ये इसकी असली TS है, ये वाला पार्ट, ये आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, यस कॉर्टेक्स, और इनर वन पोर्शन इज नोन एज मेड्यूला। अब देखो, ये तो किडनी की आउटर स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब आता है कि किडनी के अंदर क्या होता है। सी, दो हमारे शरीर में दो किडनी होती है, एक होती है लेफ्ट में एक होती है राइट में। लेफ्ट की जो किडनी होती है वो लिटिल बिट ऊपर होती है और राइट की किडनी नीचे होती है, राइट। अब हमें क्या पढ़ना है कि किडनी के अंदर क्या होता है बेटा। जैसे दिमाग के अंदर भरे हुए हैं न्यूरॉन सेल जिससे हम सोच पा रहे हैं, इसी तरीके से किडनी के अंदर भरे हुए होते हैं नेफ्रॉन सेल, ठीक है। नेफ्रॉन सेल्स किडनी के सेल्स होते हैं। इन किडनी के सेल से मिलकर किडनी बनी हुई होती है। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो यानी कि एक किडनी में कम से कम 12 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं और हमारे पास दो किडनी है तो 24 लाख के आसपास नेफ्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे किडनी मिलकर बनी हुई होती है। तो यानी कि किडनी नेफ्रॉन की बनी हुई होती है। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेफ्रॉन, तो आप बोलेंगे नेफ्रॉन आर द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल वर्ड यूज जरूर करना है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये नेफ्रॉन दिखता कैसे है, जरा देखते हैं नेफ्रॉन दिखता कैसे है। तो ये है नेफ्रॉन की पिक्चर, राइट। सो ये नेफ्रॉन की डायग्राम है जो NCERT की बुक में है, बट दिस डायग्राम इज लिटिल बिट ट्रिकी, बहुत डिफिकल्ट है इस डायग्राम को समझने के लिए। दैट्स वाई एक ईजिएस्ट डायग्राम है जो अभी मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड दे दो, बहुत तेज। एक सेकेंड, ओके। प्लीज कॉप अप बिकॉज टुडे लिटिल बिट जूम, मतलब जूम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली टुडे, ठीक है, ओके। सो दिस इज वेयर इट इज, यहाँ पे यार, ये है नेफ्रॉन का ईजी डायग्राम। वो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम था, ये नेफ्रॉन का बहुत ईजी डायग्राम है। इसमें नेफ्रॉन जो एक क्वाइल्ड, हाँ एक मिनट आयुष, जो नाइफ वो उसमें क्या था, जो अभी द डायग्राम जो मैंने अभी दिखाया था उसमें क्या था, एक धागा लो और धागे को बिल्कुल बांध दो, तो मतलब बहुत कंजस्टेड, और ये उस धागे को खोल रखा है, ठीक है। तो ये खुली हुई डायग्राम है और वो कंजस्टेड है। करेक्ट डायग्राम वो है, पर अच्छे से समझने के लिए ये डायग्राम है। अगर आप एग्जाम में ये डायग्राम बनाते हो तो कोई काटेगा नहीं, पर हाँ वो डायग्राम ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं इसमें है क्या क्या। सी, सबसे पहले हम ये देख लेंगे, उसके बाद हम दोबारा उसी पेज पर जाएंगे। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये इतनी स्ट्रक्चर, यानी कि इस पोर्शन तक, यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, बोलते हैं मैलपिगियन
ट्रिब्यून, ठीक है। और ये जो बाकी का पार्ट है इसे बोलते हैं रीनल टिब्यूल। क्या बोलते हैं? रीनल, एक सेकेंड, इसे बोलते हैं रीनल टिब्यूल्स, ठीक है। यानी कि एक किडनी में, एक नेफ्रॉन में दो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेलपिगियन टिब्यूल्स और बाकी ये पूरा पार्ट रीनल टिब्यूल्स, ठीक है बेटा। अब देखते हैं जरा इस मेलपिगियन टिब्यूल्स में है क्या। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि एक कप जैसी स्ट्रक्चर है और उस कप जैसी स्ट्रक्चर में कुछ गुचर मुचर से ऐसा पड़ा हुआ है। ये कप जैसे स्ट्रक्चर का नाम होता है बूमन कैप्सूल, बूमन, BOWN, बूमन्स कैप्सूल। कैप्सूल मीन्स पैकेट। और ये अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती हैं, कैपिलरीज पड़ी हुई होती है, बहुत ही कंजस्टेड फॉर्म में, जिन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हिंदी मीनिंग इज गुच्छा, तो वेसल्स का गुच्छा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यानी कि, जस्ट अ मिनट, दैट मीन्स दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बूमन कैप्सूल एंड द होल स्ट्रक्चर इज मेलपिगियन टिब्यूल्स, ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्या है? दिस इज बूमन कैप्सूल, दिस इज ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। हाँ, आई विल शो यू बेटा आयुष, ओके। हाँ, सो इतना पोर्शन, दिस पोर्शन, अभी बस सुनो, उसके बाद मैं आपको सही से स्पेलिंग भी दिखाऊंगी। ये पोर्शन कहलाता है PCT और ये पोर्शन कहलाता है DCT। क्या होते हैं अभी बताऊंगी। और ये कहलाता है लूप ऑफ हैनले, हैनले। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि मेलपिगियन टिब्यूल्स में दो पार्ट हैं, बूमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, तो ये बात सही है। अब मैं कह रही हूँ रीनल टिब्यूल्स में तीन पार्ट हैं, पहला पार्ट PCT, फुल फॉर्म आई विल टेल, डीसी बीच का वाला पार्ट, हैंगिंग पार्ट, दैट इज लूप ऑफ हैनले, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अस द होल थिंग, इसलिए उसके नाम पे है ये लूप ऑफ हैनले। एंड थर्ड इज DCT। और एक और पार्ट होता है ये, इसी में रीनल टिब्यूल का एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं कलेक्टिव डक्ट, कलेक्टिव, कलेक्टिव डक्ट। इनको ये सब क्यों कहते हैं अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट वी विल मेक इन अदर वीडियो।